नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ आज हम आप लोगों के लिए ब्लाइंड चेस लेकर आए हैं, चेस बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए, एक चेस बोर्ड मैंने आपको लकड़ी का दिखाया था कुछ समय पहले। ये लकड़ी का नहीं है बल्कि ये प्लास्टिक का है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, पीछे से भी इसमें बोर्ड लगा हुआ है। उसमें आपको आर पार छेद दिखाई देते थे, इसके अंदर छेद तो है लेकिन वो आर पार नहीं है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है ताकि गोटी अच्छे से सेट बैठ जाए। बहुत ही शानदार शतरंज है, आप देख सकते हैं इसके जो ग्रीन और वाइट कलर के इसके सरफेसेस है जिसके अंदर गोटियां एडजस्ट हो जाती है। और इसके बाद एक बैग मिलता है हमें, इस बैग से आप जो है बहुत ही शानदार जो है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सारी गोटियां हैं इसमें। निकाल लेते हैं बाद आपको ताकि सही से हो जाए बात। ये देखिए ये सॉरी इस तरह की गोटियाँ हैं, जैसे घोड़ा है वो, उसमें तो क्या नॉर्मल गोटियाँ थी, इसमें बिल्कुल घोड़े के जैसा देखिए बना हुआ ही है ना। इस प्रकार से मतलब जैसे नॉर्मल शतरंज के होते हैं ना, उसी प्रकार के ये देखिए ये ऊँट भी है। और आप चाहे तो ये नीचे वाला क्लिप है, इसको अलग करके नॉर्मल शतरंज की तरह भी इसे खेल सकते हैं। नीचे वाली इसकी गुट्टी निकाल लीजिए और ये एकदम वैसे सिंपल रहेगा। और गोटियाँ भी अच्छे प्लास्टिक की बनी हुई है, राजा है देखिए, जैसे एकदम राजा की जैसा जैसा वो मतलब नॉर्मल शतरंज में होता है वैसा है। और अपने इसमें क्या है आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो ब्लैक कलर है उसमें तो वाइट कलर पे एक बिंदी आती थी, इसमें ब्लैक कलर पे एक बिंदी लगी हुई है, देखिए एक छोटी सी बिंदु है। और यहाँ पर जैसे ये वाला जो हाथी है, जैसे सफ़ेद वाला, इसमें कोई बिंदी नहीं है, देखिएगा ये सफ़ेद नहीं है, क्रीम से कलर का है, उसमें पूरा सफ़ेद और वाइट होता था। और यहाँ पर देखिए हाथी, इसमें बिंदी लगी हुई है ना, ये ब्लैक वाले में, उसमें सफ़ेद वाले में बिंदी लगी थी, इसमें ब्लैक वाले में लगी होती किसी भी गोटी का आप इसमें, जैसे ये मैंने गोटी लगा दी इसमें, ये देखिए अब ये गिरेगी नहीं, ठीक है ना, पीछे से कोई इसमें वो आर पार नहीं निकलेगी, वो गोटी आर पार पीछे भी इस मतलब ये ऐसे था, ये देखिए जैसे वजीर हम लगाते हैं इसमें, ये वजीर है इसका, ये देखिए। तो इतना शानदार बोर्ड है ये। और ये बोर्ड हमने ये वैसे जब इसकी प्रतियोगिता हुई थी शतरंज की अपने जयपुर में कल्याण संघ में, वहाँ से मैंने परचेज़ किया था ये बोर्ड। ये बोर्ड उस बोर्ड से थोड़ा महंगा है लेकिन बोर्ड शानदार है। 500 रुपये में हमने लिया था ये बोर्ड, वो सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में 500 रुपये में दिया था ये बोर्ड उन्होंने। और बोर्ड बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं आप, और इतना शानदार बोर्ड है और खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। काफ़ी बड़ा है वो, तो थोड़ा छोटा था ये, काफ़ी बड़ा है उससे जो वो बोर्ड है उससे काफ़ी बड़ा है, तो बोर्ड सुंदर भी लगता है। और आप बिल्कुल इसमें खेल के बहुत आनंद आएगा, चेस खेलना चाहिए, चेस एक दिमाग का खेल है। मैं खेलने की कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ खेलने की। तो आपको ये कैसा लगा चेस बोर्ड आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।